देहरादून में आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन होगा, जिसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस रैली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। परिवर्तन यात्रा को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा सुबह करीब 11 बजे देहरादून पहुँचेगी, वही दोपहर को तपकेश्वर में बीजेपी की रैली होगी। तो आज परिवर्तन रैली का समापन हो रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पहुंच रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं, रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का समापन आज देहरादून में हो रहा है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी इस रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं समापन कार्यक्रम में, और इसके साथ ही यहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। 2 बजे के करीब जनसभा को रैली को संबोधित किया जाएगा। तो जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तराखंड में निकाली गई और आज समापन हो रहा है देहरादून में आकर। शक्ति सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। शक्ति, समापन हो रहा है यहाँ पर, आज दोनों बड़े नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, किस तरह की तैयारियां, कब तक ये लोग पहुंचेंगे, किस तरह से पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है, जानना चाहेंगे आपसे। अभिषेक, रूप से अब 12 नवंबर से जो रैली शुरू हुई थी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा थी, आज जो है उसका समापन होना है। और केंद्रीय मंत्री लगातार इस तरीके से उत्तराखंड दौरे पर थे, सत्ता परिवर्तन की ये यात्रा है और आज जो है इसका समापन होगा। रक्षा मंत्री खुद यहाँ पहुँच रहे हैं और जेपी नड्डा जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, रक्षा मंत्री का जो कार्यक्रम है वो टपकेश्वर मैदान में है, 2 बजे जनता को संबोधित करेंगे। और जो फोकस रहेगा जो 14 से 15% जो वोटर है, जो क्योंकि फौजी बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं आर्मी का जो सेक्टर है वो ज़्यादा है, तो ये कोशिश रहेगी कि बीजेपी की केंद्रीय मंत्री मनोहर पारिक के माध्यम से ये मैसेज दिया जाए कि जो देश की जो सैनिक हैं, जो योद्धा हैं, उनके साथ साथ देश की जो सरकार है वो खड़ी है। तो खासतौर से जो 12% जो वोट है जो सेना का, वो उत्तराखंड में उस वोट बैंक पर वो सेंधमारी करना चाहते हैं। ये बड़ी रणनीति हो सकती है बीजेपी की। जिस तरीके से जो रिस्पांस रहा है वो अभी तक अगर कहा जाए, जो सत्ता परिवर्तन का जो रिस्पांस रहा है वो बीजेपी को नहीं मिल पाया। शुरुआती दौर में मिला, लेकिन जब से जो नोटबंदी का असर है वो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में जो उछाल बीजेपी ने ली थी वो जो बैंकों के बाहर लाइनें हैं, एटीएम के बाहर जो लाइन है, वो जवाब अब ना तो केंद्रीय मंत्रियों के पास है ना राज्य के जो नेतृत्व है उसके पास है। कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत हो सकती है और आने वाला जो इलेक्शन होगा ये जो बैठे बैठे जो सरकार है, यहाँ पर मौजूदा सरकार है, उसको एक मौका मिल गया है अपने अपने पक्ष में कहने के लिए कि देखिए केंद्र में जो सरकार है वो किस तरीके से आपके साथ है और हम किस तरीके से आपके साथ खड़े हैं। तो ये एक चुनौती है, क्योंकि पिछली बार जो रैली हुई थी काशीपुर में उसमें देखा गया था कि जो केंद्रीय मंत्री थे वो जवाब नहीं दे पाए थे। जनता ने जब उनसे पूछा कि आखिर ये स्थितियां क्यों बन रही हैं, पहले आपने 10 दिन का टाइम मांगा, 20 दिन, 30 दिन और 50 दिन, आखिर ये वजह है क्या। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।